नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दहेज के लिए आज एक और लड़की पर पेट्रोल डाल जलाने का मामला सामने आया है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने वाली रेखा की शादी 2013 में राजेंद्र सिंह के साथ हुई थी। लड़की के परिवार का आरोप है, तभी से लड़की को दहेज के लिए तंग किया जाता था, मगर वीरवार को बात इतनी बढ़ गई कि ससुराल पक्ष ने रेखा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके चलते रेखा 95% जल चुकी है। सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है, रेखा का बचना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और SDM मामले की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं रेखा के पिता को। टीगो साहब पहले से 4 साल से ये टिचकरबाजी करते ला रहे हैं कि ये लो, ये करो। अब मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैं कहाँ जाऊँ? मैं ऑटो चलाता हूँ खुद, मैं खुद मजदूरी करता हूँ अपनी। मैंने फिर भी सब कुछ जो अपने कहीं से भीख मांग मंगा के भी मैंने लड़की को दिया, जो अच्छा भला दिया, जो भी तो मेरे पास था मैंने उनको दिया। उसके बाद भी इन्होंने बहुत टिचकरबाजी करते रहे लड़की को, 4 साल से लगातार करते, जब से शादी हुई है लड़की को एक दिन के भी चैन नहीं लेने दिया इन्होंने। तो आज क्या हुआ थे? आज ये जी सुबह इन्होंने जो हमारा जवाई उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी लड़की जल गई है, तो जल गई है। हाँ जलाया गया है जी उन्होंने। वो कहता जी हमने हमारे को मैसेज दिया, हम जैसे मैसेज दिया हम वैसे ही पहुँच गए। मैं कहाँ पर है जी? कहता सफदरजंग आ जाओ आप। हम जैसे मैसेज मिला हमें 9 बजे से यहाँ से आए बैठे हैं। और घर के अंदर पेट्रोल था? और उसके घर के अंदर पेट्रोल था। पेट्रोल जो होता है ये हानिकारक होता है, घर में रखने की जगह नहीं होती है। जब उसके घर में मोटरसाइकिल पड़ी है तो पेट्रोल निकालने की क्या जरूरत है? पेट्रोल जब पूरा उसका क्या नाम है, दरवाजा अंदर बाहर से बंद होता है। क्या शक लगता है? मेरे को शक लगता है जान से मारा है। जिस तरह से रेखा के पिता आरोप लगा रहे हैं वो वाकई शर्म की बात है। एक गाड़ी के लिए लड़की को आग के हवाले करना, अब देखना यह पुलिस जांच में सच्चाई क्या सामने आती है। यह थी दिल्ली से राकेश सोनी की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।